press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वो बिगनर और करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, तो चलिए दोस्तों मैं आज दूंगा आपको 5 ऐसी टिप्स जो आपको फायदे करेगी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों जो मैं आज आपको 5 टिप्स दूंगा ये आपको और 2 फायदे देगी। एक तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बता देगी, दूसरी अगर आपको हो रहा होगा अभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस, तो आपको लॉस कवर करने या लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत मदद करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जसकीरत सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल अड्डा। तो चलिए दोस्तों टिप नंबर 1, हैंडल बेसिक फर्स्ट। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मार्केट है, बहुत वास्ट मार्केट है, इसमें जितनी नॉलेज लो उतनी कम है, पर फिर भी आपको बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है अगर इस मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों आपको स्टॉप ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, टेक्निकल आना चाहिए। दोस्तों ये थोड़े ज़्यादा हार्डर हो गए टॉपिक्स, पर फिर भी अगर आपको बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट की तब भी आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। पर फिर भी मैं दोस्तों आपको एक राय दूंगा, स्टॉक मार्केट में जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज गेन करिए। आपको नॉलेज गेन करने के लिए आप CNBC या जी बिजनेस के रोज लाइव शोज देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, न्यूज़पेपर रीड करिए। दोस्तों बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में, बिना नॉलेज ले अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी लाइफ रिस्क में है, आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में ही जाएगी। तो जैसे दोस्तों वॉरेन बुफे ने भी कहा है, नॉलेज एंड रिस्क ओवर टाइम आर लिंक्ड, एज वॉरेन बुफे सेड, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग। जो रिस्क है वो आपको, अगर आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो तो उससे बहुत ज्यादा आपको रिस्क है आपके लिए। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो ये था दोस्तों टिप नंबर 1। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 2, सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप कमाना चाहते हैं बहुत पैसा तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे जितने आप लॉन्ग टर्म में कमाएंगे। लॉन्ग टर्म में आप पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, प्रॉफिट तो बहुत अर्न करोगे, उसके साथ दोस्तों आप डिविडेंड भी अर्न कर सकते हो, बोनस भी अर्न कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदे और लॉन्ग टर्म में ही आप रिच हो सकते हो। अगर आप कहते हो कि मेरे को स्टॉक मार्केट से अमीर बनना है तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही जाओ, और अगर आपने सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से भी या फ्यूचर ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, पर उसमें होता है रिस्क। उसमें दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप खुद अमीर बनना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, और अगर आप चाहते हो ब्रोकर या गवर्नमेंट अमीर हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों ये थी टिप नंबर 2। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस एंड बी पेशेंस। तो दोस्तों जो थर्ड है वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और पेशेंस रखना तो बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, या आप बिल्कुल पेशेंस नहीं हो, आप स्टॉक मार्केट के प्राइस नीचे जाने से बहुत डर रहे हो, तो आप स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। लास्ट दिसंबर में मेरे पास एक स्टॉक था जिसका मैंने बाय प्राइस था 332 रुपीज़। आई हैव 20 शेयर्स। तो दोस्तों मैंने उसके एक महीने बाद ही वो स्टॉक देखा तो वो बिलो 290 चला गया। मेरे को काफ़ी लॉस हो रहा था तो मैं बहुत पैनिक हो गया। तो आई सडनली कॉल माय ब्रोकर जिसने मेरे को ये टिप दी थी कि ये वाला स्टॉक परचेज करिए। तो जब मैंने ब्रोकर को कॉल किया तो उसने कहा, भाई मैंने आपको पहले ही कहा था अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पेशेंस और इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने उसकी बात बिल्कुल मानी और मैंने पेशेंस रखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करा। तो मैंने उसको 3 मंथ्स आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने उसको सेल करा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको 332 रुपीज़ के शेयर को 400 में सेल करा, जो 290 से भी बिलो गिर गया था उसको मैंने प्रॉफिट में सेल करा। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अपने बिल्कुल पेशेंस रखना और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट, अवॉइड लेवरेज। अब दोस्तों लेवरेज क्या है? लेवरेज एक बोरोइंग है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपके पास 5,000 है, आपका ब्रोकर आपको 5,000 का एक बोरोइंग दे देता है, उसको हम कहते हैं लेवरेज। तो दोस्तों ये बहुत रिस्की है अगर आप बिगनर हैं और आपके पास अपनी कैपिटल नहीं है, और आपके पास 5,000 अपनी कैपिटल है और 5,000 आप बोरो करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपको पूरा लॉस हो गया तो आप 5,000 तो अपना तो आप लॉस हो ही गया,
आपको 5000 जो आपने बोरो करे थे वो भी आपको फिर कमाना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि जितना हो सके बोरोइंग मनी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जितना हो सके एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए, या आप जो थोड़े बहुत सेविंग्स कर रहे हो उनको आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट से ले सकते हो। तो अब आती है बात पांचवें पॉइंट पर, आपकी फिफ्थ टिप क्या है। तो फिफ्थ टिप है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो 10,000 अगर आपने इन्वेस्ट करा वो सिर्फ 10,000 एक ही स्टॉक पर नहीं लगाना, उसको हमें डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई कैसे करना है, हमें उसे या तो 3,000 के 3 और 1,000 एक में इन्वेस्ट करना है, 3,000 थ्री स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और 1,000 एक स्टॉक में, तो हम 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उसको डाइवर्सिफाई इस तरीके से कर सकते हैं, हम कुछ को लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ को मिड कैप में, कुछ को शॉर्ट टर्म में कर दो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। और दोस्तों सेक्टर्स में भी, अलग अलग सेक्टर्स में, ये नहीं कि अगर हम बैंकिंग में कर रहे हैं तो सारे बैंकिंग के हमने स्टॉक्स ले लिए, फार्मा में कर रहे हैं तो हमने सारे फार्मा के स्टॉक्स ले लिए, हम उसको अलग अलग करेंगे। हम एक फार्मा लेंगे, एक बैंकिंग लेंगे, एक हम ऑटोमोबाइल्स लेंगे, एक हम केमिकल की कंपनी लेंगे। इस डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है दोस्तों, अगर आप कि एक स्टॉक ने थोड़ा सा लो हो गया या वो लॉस शो कर रहा है पर बाकी वो प्रॉफिट में है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा आएगा। तो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, कभी भी अपना पैसा एक स्टॉक पर मत लगाना। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वास्ट मार्केट है, इसमें लोग बहुत से ज़्यादा रिटर्न कमा लेते हैं पर मोस्टली देखा गया है कि लॉस ज़्यादा होते हैं। तो ये 5 टिप्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको लॉस कम से कम होगा। ये जो बातें थी मैंने प्रसेनजीत पॉल की एक बुक हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन स्टॉक मार्केट से आपको बताई है। लिंक बुक का लिंक बायो में है, आप उसको जाकर परचेज अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। प्लीज़ लिंक को क्लिक करें और अमेजोन से परचेज करें। और दोस्तों मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको और नई नई वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बताएं मेरे को कि कैसी लगी आपको वीडियो और कौन से टॉपिक्स में आप चाहते हो वीडियो मैं बनाऊं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।